सभी दीदी भैया को नमस्ते। रीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत। आज मैं दोस्तों अपना परिचय देती हूँ। कई दीदी भैया पूछते हैं, रीता अपना घर क्यों नहीं दिखाती हो, किचन खाली दिखाती हो। मैं दोस्तों मैं अपना घर दिखा रही हूँ, जितना हमारे यहाँ पर सदस्य दोस्तों हमारे ससुर जी तीन भाई हैं और अभी बंटवारा नहीं हुआ है, रहा है। ये बहुत पुराना घर है, दादी हमारी बनवाई थी। 6 रूम है इसमें और हम सब 5 लोग हैं, इसमें 5 लोग रहते हैं। दादी हमारी 1 रूम अपने लिए बनवाई है। आप सबको मैं दिखा देती हूँ दोस्तों, मैं जहाँ पर खड़ी हुई है हमारी दादी का रूम है, बगल में हमारी बड़ी जेठान का रूम है। ससुर जी के 4 बेटे हैं और 3 बेटी हैं। इस फैमिली हमारी बहुत बड़ी है दोस्तों। हमारे यहाँ पर बंटवारा हो गया है, ससुर जी के हमारे तीनों भाई में घर का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए सब लोग इकट्ठा रहते हैं। सब लोग अब जहाँ पाते हैं वहीं पर खाना बनाकर खाते पीते हैं। देख लीजिए, ये हमारी बड़ी वाली जेठान का घर है यहाँ पर, और ये हम दोस्तों मैं 3री नंबर पे हूँ। हमारे जेठान जी का घर है, रूम है, और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा रूम है। यहाँ पर छोटा सा रूम है, बहुत बड़ा नहीं है। और यहाँ पर मैं आप सबको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये जो है रूम, ये हमारे देवर जी का है। अभी हमारे देवर का शादी नहीं हुआ है, जब होगा तो यहाँ पर दरवाजा लगेगा। और ये वाला रूम हमारे छोटे ससुर जी की है दोस्तों, और इसमें हमारे छोटे ससुर जी की बहू रहती हैं। हमारी यहाँ पर बड़ी वाली दीदी यहाँ पर खाना बनाती हैं। और यहाँ पर हमारी मझली वाली दीदी का घर है, वहाँ पर बगल में हमारा है, वहाँ पर हमारे देवर जी का है, वहाँ पर हमारे छोटे ससुर जी का रूम है। एक ही में बना हुआ, दादी हमारी एक ही जगह पे बनवाई थी दोस्तों। यही घर है हमारा, इसमें बहुत लोग रहते हैं। मैं आप सबको पूरा सब लोग का सदस्य का नाम लेकर बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम सब, इसमें 6 रूम हैं और 5 लोग रहते हैं। 1 रूम हमारे दादी का है दोस्तों, यहाँ पर हमारे छोटे ससुर जी का यहाँ पर ये जगह है। मैं उनकी सिधाने पे खाना बनाती हूँ। किचन हमारे पास किचन नहीं है, और जब होगा कहीं पर तब बनवाएंगे। ये सब बना हुआ है, ये सब बहुत पुराना सा घर है, और ये हमारे ससुर जी लगवाए हुए हैं, तो इसी से हम सब लोग पानी पीते हैं। छोटे ससुर जी का जमीन है और उनका ही नल है, हम सब नहाते हैं यहाँ पर। जो आप सबको दिखाई थी वहाँ पर हमारे ससुर जी लगवाए थे, और यहाँ पर हमारे छोटे ससुर जी लगवाए हैं। व्यवस्था नहीं है, बस छोटा छोटा रूम मिला हुआ है। ससुर जी का है जमीन, और जब ये बंटवारा होगा तो 3 हिस्सा लगेगा, तो उस हिस्से में से हमारे ससुर जी का 1 हिस्सा लगेगा। तो 1 हिस्से में हम लोग 4 लोग बंटवारा करेंगे उसमें। तो आप सब बताइएगा कि हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं। मैं आप सबसे झूठ नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, मैं आप सबको जितना हमारे यहाँ पर था रियल में आप सबको दिखा रही हूँ, पूरा अपना सच्चाई बता रही हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ये सब हमारे घर के बच्चे हैं, सबका यहाँ पर सर सामान छिन बिन में बहुत सदस्य हैं, इसलिए पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। मैं आप सबको दिखा रही हूँ अपने घर का यहाँ का। हमारे हम लोग का उतना जमीन नहीं है, थोड़ा ही है। हमारे पति 4 भाई हैं दोस्तों, बहुत छोटा सा रूम है उसमें, बहुत ही छोटा रूम है। जब होगा तो हमारे सबके व्यवस्था होगा तो कहीं पर बनवाएंगे। और न खाना बनाने का व्यवस्था है, न नल है दोस्तों। आप सब पिछले वीडियो में दिखाई थी जहाँ पर मैं कपड़ा सुखवाती हूँ, वो हमारा जगह नहीं, वो दूसरे का जगह, सड़क पे रहते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर कपड़ा सुखवा लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर नेहा हमारे बाबू को ली हुई है, श्रियांश है वहाँ पर, हमारा अंश है, यहाँ पर हमारे घर के सभी बच्चे हैं। चप्पल पहने हैं दोस्तों, ये उल्टा पहने हुए हैं अंश चप्पल।
आज मैं इनके लिए खरीदी हूँ। देख लीजिए अंश किस तरह चप्पल उल्टा पहने हुए हैं। वहाँ पर मानसी हैं, हमारा बाबू रो रहा था इसलिए मैं नेहा को दे दी हूँ खिलाने के लिए। पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर बैगन फरा हुआ है, कितना अच्छा से, बहुत अच्छा से फरा हुआ है। आप सब देख लीजिए यहाँ पर बैगन लगा हुआ है और यहाँ पर भिंडी का पेड़ लगा हुआ, सब्जी लगा हुआ। अभी ये छोटा है, फरेगा तो बहुत अच्छा लगता है घर का सब्जी खाने में, बहुत अच्छा टेस्टी होता है घर का सब्जी। पौधा लगा हुआ बहुत नन्हा सा प्यारा सा लगा हुआ है, आप सब देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ पर हमारा अंश आ रहा दौड़ कर, नमस्ते कर दो अंश। हमारा बोलते हैं दोस्तों, ये वीडियो में नहीं बोलते हैं, उनको शर्म। पकौड़ी बनाने के लिए कह रहे हैं अंश, वो चौरैया का साग का मैं बनाई थी तो वही यहाँ से ले गई थी खोट खोट कर। क्या कहते हैं दोस्तों, चौरैया साग की साग का पकौड़ी बनाओ। हमारे चैनल पे जो नए होंगे चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।